हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो आज यहाँ पे हम कर रहे हैं गेहूँ वगैरह साफ़। आज ना टंकी खलाई थी, जो गेहूँ की टंकी होती है ना, वो अभी नए गेहूँ आने वाले हैं, तो उसको साफ़ वाफ करके और इसको खाली खाली करके, और अभी ये गेहूँ का आटा हो जाएगा और बाकी जो नए गेहूँ आएंगे तो वो उसमें हो जाएंगे। इसलिए इसको अपने साफ़ सफ़ाई कर दी थी टंकी की, और बाकी फिर उसके बाद काम भी बहुत हो गए थे। और थोड़ा सा मैंने बदलाव भी किया था घर में, कुछ चीज़ इधर उधर की थी, देख अभी आपको हो सकता है दिखाऊं या फिर आगे भी दिखा सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कर रहे हैं, राघव बैठ के अपना कर रहा है कुछ ना कुछ, वो भी एक एक गेहूँ बीन बीन के बीन बीन के रख रहा है। बोल मम्मा मैं आपकी हेल्प करा रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यार देखिए वो हेल्प तो कुछ नहीं, बस गेहूँ से खेल रहा है, और गेहूँ से खेलना बहुत अच्छा लगता है। हम लोग भी खेला करते थे जब मम्मी वगैरह करती थी ना, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता था गेहूँ में हाथ देना, तो मम्मी डांटती थी हमें भी। तो बस उसके बाद नहा धो करके मैं आ गई थी सीधा खाना बनाने। आज बहुत ज़्यादा मैंने कुछ दिखाया नहीं, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मुझे मतलब कैमरा लगाने की हिम्मत ही नहीं हुई। फिर मैंने कहा चलो फिर कभी। तो अब यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ, तो ये है सोयाबीन की बड़ियों को मैंने पानी में डाल दिया था आधे घंटे से पहले, 15-20 मिनट में हो जाती है ये, तो गुनगुने पानी में डाल दो तो 15 मिनट में हो जाती है, 10-15 मिनट में। तो आज मैं इन्हीं की सब्ज़ी बनाऊँगी, सोयाबीन की बड़ी की और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पहले आया मैंने सरसों का ऑयल, उसको गर्म करेंगे, और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो सबसे पहले मैं बड़ियों को फ्राई करूँगी। ये देखिए, तो बड़ियों को मैं ज़्यादा डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, सैलो फ्राई कर रही हूँ। बहुत जल्दी से हो जाती है ये, बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। फ्राई होकर कि भी आप खाते हो ना तो भी टेस्टी लगती है। अगर आप थोड़ा सा इनको भिगाने के टाइम पर नमक डाल दीजिएगा ना, सोयाबीन की बड़ियों को भिगाने के टाइम पर, तो बहुत अच्छी लगती है। यहाँ देखिए अच्छे से फ्राई हो गई, इनका कलर भी चेंज हो गया है, और सब्ज़ी सच में बहुत टेस्टी बनी थी। मतलब बच्चे नहीं खाते थे लेकिन बच्चों ने भी खाई थी आज, इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी थी। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको बस निकाल करके, और मैंने आलूओं को लिया है, ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो यहाँ पे मैंने उबले आलू लिए हैं 4, आप कच्चे आलू भी ले सकते हैं, बस कच्चे आलू में थोड़ा सा टाइम भी लगता है और इससे अच्छी बनती है सब्ज़ी। तो मैंने आलूओं को उबाल करके थोड़े थोड़े मोटे टुकड़ों में काटा है, वो अपने हिसाब से आप काट लीजिएगा। तो इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी, मतलब पके हुए तो ये हैं बट कलर चेंज होने तक, जैसे कलर इसका हो जाए तो मुझे इतना फ्राई करना है। आप देख सकते हैं आलू भी फ्राई कर लिए हैं, इनको भी मैं निकाल लेती हूँ एक बर्तन में। और अभी जो ऑयल है ना ये बहुत ज़्यादा है, इसको मैं निकालूंगी, इसको मैं खाली करके और थोड़ा सा ही छोड़ूंगी बस। फिर देखिए थोड़ा सा मैंने ऑयल रखा है इसमें, जैसे ही ऑयल गर्म होता है हम इसमें डाल देंगे जीरा, एक तेज़पत्र और थोड़े से खड़े गर्म मसाले, इसमें थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा है, थोड़ी सी काली मिर्च और लौंग। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है प्याज को पीस करके रखा था मैंने, प्याज मैंने 2 लिए थे छोटे, मतलब मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए थे, उनको मैंने पीस लिया था मिक्सी में। और इसको मैं भूनूंगी, प्याज को अच्छे से भूनना है, यानी मसाला, फिर वही बोलती हूँ मैं हमेशा कि मसाला अच्छे से भूनना चाहिए सब्ज़ी का। तो ये देखिए मसाला हमारा प्याज का भुन चुका है, अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 4 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के ही, और उसी में मैंने अदरक को और हरी मिर्च को पीस लिया था। अब हम यहाँ पर डाल देंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। मैंने इसमें कोई और मसाला नहीं डाला है, बस यही मसाले से बना रही हूँ मैं। यही मसाले डाल करके भी अच्छे से सब टमाटर को और प्याज के मसाले को पकने देंगे। अब हम इसमें नमक भी डाल देंगे, नमक से मसाला जो है हमारा बहुत अच्छे से पक जाता है, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है। इसको मैं ढक करके, और जब तक ऑयल नहीं दिखने लगेगा तब तक मैं इसको पकाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको देख रही थी, तो मसाला कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। ये देखिए मसाले की पहचान ये है कि मसाला कढ़ाई छोड़ने लग जाता है। तो यहाँ पे हो चुका था, तब मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू जो फ्राई के रखे थे, और सोयाबीन की बड़ियाँ जो फ्राई की हुई रखी थी उनको मैं डाल दूँगी, और इनको मिक्स करेंगे ये देखिए अच्छे से। अब हमें इतना पानी करना है, जो भी जितना भी हमें करना है, जितनी इसकी ग्रेवी हमें रखनी है उतना पानी करना है। आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैं थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगी क्योंकि आपको पता है कि पापा जी को ज़्यादा सूखी सब्ज़ी जो है ड्राई वाली कम पसंद होती है। तो मैंने इतना पानी रखा है, अब यहाँ पर मैं इसको चेक कर रही हूँ, तो बढ़िया देखो एकदम डबल हो गई है फूल करके, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है सब्ज़ी। तो अभी थोड़ा सा मैं इसको और पकाऊँगी, बस ढक करके थोड़ा सा और पकने देंगे। यहाँ पे देखिए सब्ज़ी हमारी रेडी है, बिल्कुल बनके तैयार है।
इसमें हम डाल देंगे अब खड़ा वो गरम मसाला, खड़ा नहीं गरम मसाला पाउडर, और धनिया पत्ती मेरे पास थी नहीं, कसूरी मेथी डाला है मैंने लास्ट में। कसूरी मेथी से भी टेस्ट सब्ज़ी का बहुत बढ़ जाता है। बस अब रोटियां बनाऊंगी, तो बस खाना पीना होने के बाद, रोटियां बनाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े धुल करके, तो कपड़े सुखा रही हूँ। कपड़े मैंने हाथ से ही धुले थे एक्चुअली, अभी मैं ज़्यादातर कपड़े हाथ से ही धुल रही हूँ, मैं मशीन बहुत कम लगा रही हूँ क्योंकि पानी की प्रॉब्लम, आपको मैंने पहले भी बताया था, हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम भी हो रही है और उसकी फ्रिज की भी प्रॉब्लम है, यानी अभी सारी प्रॉब्लम एक साथ आ गई हैं, तो बहुत सारी परेशानी है। तो हाथ से ही धुल रही हूँ कपड़ों को, हाथ से धुल करके फिर मैंने सुखाया है यहाँ पे कपड़ों को, और इसके बाद बस थोड़ी देर मैं लेटूँगी, आपसे बात करूँगी, फिर लेटूँगी। और राघव मेरे आगे पीछे घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, मतलब मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, आप देखा होगा गेहूँ कर रही थी तो वहाँ भी था, और भी कपड़े सुखा रही तो वहाँ भी है। जब ये दोनों खेलते तब तो कोई बात नहीं, नहीं तो वो अगर कृष्णा अपना कुछ काम करता तो ये मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, बस इसका यही काम रहता है। कपड़े सुखा दिए हैं अभी मैंने, और दोपहर के जो काम है वो हो गए। पता है आज क्या हुआ, लेट हो गई थी मैं आज काम करके, ऐसा था ना आज मैंने थोड़ा सा घर में भी चेंज किया था, जैसे बहुत बड़ा चेंज तो नहीं पर हाँ थोड़ा बहुत किया था, तो उसमें काम भी ज़्यादा, टाइम भी ज़्यादा हो गया। गेहूँ बनाए थे, उसके बाद फिर गेहूँ बनाने के बाद तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, इतनी मतलब गंदगी घर में हो जाती है, और वो बनाने के बाद फिर मैंने घर की साफ़ सफाई की और थोड़ा सा बताया, जैसे चेंज किया कुछ, थोड़ा सा दिखाऊंगी मैं आपको, या तो आज नहीं तो फिर कल दिखाऊंगी क्या चेंज किया है घर में। थोड़ा सा मैंने नीचे किया था, नीचे वाले उसमें, फिर उसके बाद मैं लग गई थी सीधा खाना बनाने, उसके बाद फिर काम, मैंने कहा चलो अभी तो, फिर जब से मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ यानी तब से टाइम ही नहीं मिला मुझे आप लोगों से बात करने का, मैं क्या आप कर दी हूँ, तो चलिए अब बैठ के बात करते हैं, और थोड़ा सा मैं अभी फ़ोन को ट्राईपॉड पे लगा दूँ, तो अब करते हैं आपसे बात। एक्चुअली परसों की वीडियो पे, कल तो कोई वीडियो गया ही नहीं था, परसों की वीडियो की बात है, मुझे ना गर्मी सी लग रही है एकदम, काम करके आई हूँ ना, पंखा भी बहुत कम कम चला रखा है मैंने, तो वो परसों की वीडियो की बात है। मुझे कमेंट आया था, सबसे पहला कमेंट था उसका उस वीडियो पे, जिस दिन मोमोज बनाए थे मैंने उस दिन की बात है, कॉल करके नाम था, उससे कमेंट आया था, तो मैंने तो उसको रिप्लाई कर दिया था, मुझे नहीं पता था। फिर कल मेरे पास एक यूट्यूबर ही हैं दीपक ऑर्डर, उनका मेरे पास कमेंट आया कि आप उसका जो आपके पास एक कॉल YT नाम से आया होगा उसको रिपोर्ट कर दो आप, और वो हैकर है। अब मुझे तो, मैंने कहा आपको कैसे पता, फिर उन्होंने वीडियो भी बना रखा था कि ऐसे ऐसे वो हैकर है और कई नाम से है, यानी दो तीन नाम से हैं, तो मैंने देखा, मैंने कहा चलो देखती हूँ उसको, रिपोर्ट तो नहीं पर डिलीट कर देती हूँ उसको, लेकिन मैंने देखा तो वहाँ पे कमेंट था ही नहीं, डिलीट कर लिया था उसने, अपने आप ही डिलीट कर दिया था वो वाला कमेंट उसने किया था। अब मैंने उनसे फिर बोला, मैंने कहा उसने डिलीट कर दिया, बोले देखो उसने मेरा कमेंट देखा होगा शायद इसलिए डिलीट कर दिया होगा, यानी वो हैकर है। अभी आजकल ना बहुत चल रहे हैं यार, पता हमारे चैनल को हैक करके उसको क्या मिलेगा, अभी तो हम कुछ भी नहीं है, छोटा मोटा सा हमारा चैनल है, तो पता नहीं। आज तो मुझे सच कसम से बहुत डर लग रहा था, मैंने कहा अगर चैनल हैक हो जाता तो मैं तो बनाती नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनाती, क्योंकि एक इसी को मुझे तो मतलब करने में सब कुछ याद आ रहा है, इतनी मेहनत है और फिर रेस्पॉन्स मिलता नहीं है, तो मैं तो सोच रही थी मैं अगर हो भी जाएगा ना तो मैं तो बस ये आखिरी वीडियो बनाती हूँ और सब छोड़ो, अब मुझसे तो होगा नहीं क्योंकि भाई कितनी मेहनत के बाद कोई चैनल हैक कर लेता है तो दुख तो बहुत होता है। मेरे तो दिमाग में वही बात घूमती रही थी कि अगर हैक वो हैकर हो, मैंने रिप्लाई थैंक्स करके रिप्लाई कर दिया था, और मुझे तो पता नहीं था कि वो हैकर है, पर सही बात है वो हैकर ही था, क्योंकि अगर हैकर नहीं होता वो तो अपना कमेंट डिलीट क्यों करता, अगर कोई बात होती तो क्यों डिलीट करता, तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। मैंने कहा अगर आज, तो चलिए अब थोड़ा सा दोपहर है, मैं थोड़ा सा देर आराम करूँगी, ज़्यादा देर तो नहीं करूँगी, आराम तो क्या है मतलब थोड़ा बच्चे अपनी पिक्चर वगैरह देखेंगे उसमें थोड़ा सा मैं लेट लूँगी, इतना ही है, आप लोगों के कमेंट की रिप्लाई कर दूँगी, यही करूँगी। और आज मैं शाम को बनाने वाली हूँ आलू की टिक्की, तो आप देखिएगा आलू की टिक्की मैं जो बनाने वाली हूँ ना वो अलग तरीके से बनाऊँगी, जैसे मैंने पहले बनाई थी वो तो सिंपल वही तरीका था जो कि ठेल वाले बनाते हैं, तो एक और तरीके से मैं बनाऊँगी, वो उसका टेस्ट बहुत अलग आता है, बहुत डिफरेंट आता है, बहुत अच्छी बनती है वो, तो बस वही शेयर करूँगी। तो चलिए अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।
तो बस अब मैं आ गई थी यहाँ पे टिक्कियाँ बनाने के लिए। तो आलूओं को मैश कर लिया है और जो मैंने पहले प्रोसेस बताया था सेम वही करना है। आप मैंने इसमें अरारोट डाला है, आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो। तो मैंने वही डाला है बस अरारोट, और इसमें प्याज मिलाई है मैंने। प्याज को मैंने पतले पतले स्लाइस में लंबे लंबे में काटा था, तो उसको मैं इसी में मिक्स करूँगी अभी टिक्की बनाने के लिए। तो आज मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बता रही हूँ आपको, और बनाने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है इससे, उससे बिल्कुल अलग है। तो वही तरीका बता रही थी। इसको मिक्स करके अरारोट आपको वैसे ही रखना है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसलिए मैंने डिटेल में आपको पहले नहीं दिखाया था। वो आलू का तो वही है सेम जो पहले था। तो अब इसकी हम टिक्कियाँ बना लेंगे आलू चिकनाई का हाथ लगा के, यानी रिफाइंड हाथ में लगा के थोड़ा सा, और इसकी गोल गोल टिक्कियाँ बना लेंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने गोल टिक्कियाँ अभी चार बनाई हैं, क्योंकि इसमें कढ़ाई में जितनी आएंगी मैं उतनी ही करूँगी। तो कढ़ाई रख दी है मैंने गैस पे, और इसको जो और तेल है ना वो गरम करके इसको मैं छोड़ रही हूँ इसमें। तो बहुत ज़्यादा मैंने तेल नहीं किया है, आप थोड़ा सा और भी रख सकते हैं, यानी डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैंने इतना रखा है जितना कि बहुत ज़्यादा डूबे नहीं। तो ये देखिए इसको हम पलट देंगे टिक्की को, और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। पलटने के बाद हमें इसको दबाना है, इसको थोड़ा सा चपटा कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से। पहले नहीं करना नहीं तो आलू जो है चिपक जाएंगे इसमें। तो बस यह देखिए मैंने इस तरीके से इनको थोड़ा सा चपटा करके, और अभी मैं आधा सेक के ही इनको निकाल लूँगी कढ़ाई में से, इस तरीके से आधा सेक करके ही मैंने इनको निकाल लिया है। ये वाली टिक्की बहुत क्रिस्पी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, आप एक बार बना के देखिएगा, अच्छी बनती है बहुत। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको भी निकाल लिया है, ये देखिए इनको मैं ठंडा होने देती हूँ थोड़ा सा। अब जो दूसरी मैंने बना के और रखी थी उनको भी मैं डाल देती हूँ। मेरी कढ़ाई में चार चार ही आ रही थी, जितनी आ जाए आराम से आप उतनी डालिएगा। तो यहाँ पे देखिए उनको मैं ठंडा होने दूँगी, और इनको भी ऐसे ही पलट के थोड़ा सा प्रेस करके, ये देखिए इस तरीके से, ये बस ऐसे, और इनको भी हम सेकने देंगे। गैस को मैंने मीडियम रखा है, बिल्कुल स्लो भी नहीं रखा है। ये देखिए ये भी सिक चुकी हैं, तो इनको भी मैं निकाल लूँगी। तो जो मैंने पहले सेक के रखी थी ना उनको हमें अब सेकना है दोबारा से। तो कैसे करना है, मैंने इनके टुकड़े कर लिए थे, मैं आपको दिखाना भूल गई, जो वो टिक्की थी ना उनके मैंने आधे आधे टुकड़े कर लिए हैं, ये देखिए इस तरीके से। और अब इनको मैं सेकूँगी, अच्छे से सेकूंगी, मतलब ये कड़क हो जाए। वो अपने टेस्ट के ऊपर है, आप ज़्यादा कड़क चाहते हैं तो उस तरीके से सेकिएगा, और कम चाहते हैं तो थोड़ा कम ही। देखिए तो ये टिक्की जो है बहुत क्रिस्पी और अच्छी रहती है। बस इनको भी मैं निकाल के बस ये सर्व के लिए तैयार है। तो आप चाहें तो बड़ी टिक्की है तो बीच में एक कटोर लगा सकते हैं, यानी एक टिक्की में से चार टुकड़े कर सकते हैं। मैंने दो ही किए हैं, इतना ही मुझे ठीक लग रहा था। तो बस यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं इनको निकाल लूँगी, ये टिक्की बनके तैयार है, बहुत क्रिस्पी बनी है। अब इनको कर लेते हैं हम सर्व। तो पहले मैं इनको डाल देती हूँ जब तक ये सिकेंगी, इस तरीके से। मैंने उस टाइम भूल गई थी ना आपको दिखाना, तो अभी दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने, आप चार भी कर सकते हैं और दो भी कर सकते हैं। तो इनको भी मैं डाल दूँगी, अभी इतनी ही आई थी। अब यहाँ पर मैं आपको प्लेट लगा के दिखा रही हूँ। तो आज छोले तो नहीं थे मैंने ऐसे, क्योंकि मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था पहले से, अगर होता तो मैं सुबह में डाल देती छोले। तो मैंने कहा चलो, बच्चों का मन था, कृष्णा और राघव भी कह रहे थे मम्मा टिक्की बना दो, आलू बॉईल किए थे सब्जी के लिए इसलिए। तो बस यहाँ पे मैंने सौंठ तो बनाई थी, आज ही बनाई थी सौंठ। और बस ये देखिए दही डाला है, चटनी डाली है और मसाला डाला है। उधर मैं इनको पलट दे रही हूँ कि जल ना जाए। ये देखिए यहाँ पर गैस को मैंने थोड़ा सा सिम कर दिया है, थोड़ा सा जीरा डाला है, और यहाँ पे डाल दूँगी थोड़ी सी मिर्च। तो ये लीजिए यहाँ पे कर दिया इसको सर्व, आप भी खा लीजिए। टिक्की बहुत क्रिस्पी बहुत टेस्टी बनी थी। तो चलिए अब इस वीडियो को करते हैं एंड, सारा काम हो गया है। टिक्की बनाई थी आज मैंने, बस पापा के लिए बनाई थी रोटियाँ, बाकी हम सब ने तो टिक्की खाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी, मतलब एक तो अलग सा टेस्ट था, एकदम कड़क कड़क वाली वो नहीं थी। और यहाँ पे देखिए राघव खा रहा है पपाया, आप लोग खा लीजिए, पपीता खा रहा है। तो मैंने पपीता काट के रख दिया था, रात के टाइम पपीता खा के सोते हैं ना, यानी खाने के बाद अब पपीता खा लो, रात के टाइम दो पीस खा लो तो आपको पेट संबंधी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और आपका वेट भी मेंटेन रहेगा। ये आप बिठा लो बात, अगर जैसे आप पपीता खाना खाने के बाद सोने से पहले अगर पपीता खाते हैं एक प्लेट,
तो आपका जो वेट है मेंटेन रहेगा और आपको पेट संबंधी तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो आप, मैं इसलिए बोला है कि आप सोच रहे हो ना रात में खा रहा है, क्योंकि खाना वाना हो गया है सब, बस ये सोने वाले हैं। बेड बेड वगैरह मैंने भी सही नहीं किया, ऐसे ही पड़ा है देख सकते हो। कृष्णा भी है इधर, वो भी खा रहा है बस सोने की तैयारी है। अब ये खा के थोड़ी देर बाद खेलेंगे, अभी तो खेलेंगे कुछ नहीं, छत पे भी जाएंगे तब सोएंगे। तो वीडियो को करती हूँ मैं एंड। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, शेयर भी कर दिया करो, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, क्योंकि मेरा अब सच बताऊँ मन हटता जा रहा है, रेस्पॉन्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिल रहा। और रहे सहे डबल पपाया डबल पपाया। चलिए राघव से हाय बाय बोल दो। राघव बाय बोलो, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बोल दे, गुड नाइट। चलिए तो वीडियो को एंड करते हैं। राधे राधे, गुड नाइट।